नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज बड़ा दिन है, आज आजादी दिवस है और आप सभी दर्शकों को ऑनलाइन न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से आजादी दिवस की बेहद बेहद शुभकामनाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया, 88 मिनट का भाषण दिया। और इस 88 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के अंदर, जिस तरह से आमतौर पर उनके भाषण के बाद में लोगों को उनकी कही गई बातों पर यह दिखाना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर आप झूठ बोल रहे हैं, यह कहना पड़ता है। देखिए, आज बड़ा दिन है, वाकई आज बड़ा दिन है। आजादी दिवस आज हम मना रहे हैं और 75वीं वर्षगांठ है ये। तो इस मौके पर जो है वो जाहिर तौर पर सबको अच्छी बात करनी चाहिए, आज पॉजिटिविटी सकारात्मकता के साथ में बात करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हम सरकारी मीडिया नहीं है, सवाल यह है कि हम भोपू मीडिया नहीं है कि सरकार ने जो लाइन खींची उस लाइन को और आगे लेकर चले जाए। हम लोगों की आवाज है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या जो सरकार कह रही है क्या वो सच है, क्या सरकार जो कह रही है, सरकार जो गुलाबी आंकड़े दिखा रही है क्या वो सच है, या जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो सच है, या सच कुछ और है। हमारा काम यह है कि उस सच से पर्दा हटाने का काम करें। हमारा काम यह नहीं कि सरकार ने इतनी लाइन खींची और गोदी मीडिया की तरह से हम उस लाइन को और आगे बढ़ा दें। हमारा काम यह कि सरकार ने इतनी लाइन खींची है तो हम ये बताएं कि इस लाइन में कितनी हकीकत है और इस लाइन में कितने जुमले हैं। हमारा काम यह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 88 मिनट का भाषण दिया और सबसे बड़ी बात, उनके भाषण का पूरे विस्तार से जो है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में जो रही, उन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 100 लाख करोड़ रुपए के गति शक्ति मिशन का आज आह्वान किया है, ऐलान कर दिया लाल किले की प्राचीर से। लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कहे तो उसके शब्दों में जान होती है, वजन होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से अक्सर जो बात कहते हैं उनकी बात पकड़ी जाती है। आप दो ट्वीट आपको दिखाते हैं। आज ये पहला ट्वीट आप देखिए, पहला ट्वीट है रिपब्लिक भारत का, रिपब्लिक भारत का एक ट्वीट है और ये ट्वीट है 8:25 पर 15 अगस्त 2021 का, आज का ट्वीट है। इसमें क्या लिखा है, पीएम मोदी अनाउंस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान गति शक्ति फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे 100 लाख करोड़ रुपीज फॉर यूथ एम्प्लॉयमेंट। युवाओं के रोजगार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना का, मास्टर प्लान का आज ऐलान किया। यह है आज का नरेंद्र मोदी के भाषण में। आज उन्होंने कहा कि हम 100 लाख करोड़ रुपए का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन एक ट्वीट और दिखाते हैं आपको, ये ट्वीट आप देखिए 15 अगस्त 2019 का, 2 साल पहले, आज जो नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की जो बात कही है और गोदी मीडिया उसी पर पलके बिछाए हुए लेट रहा है, उस पर जो है वो डांस किया, नागिन डांस हो रहा है कि 100 लाख करोड़ रुपए जो है देशवासियों को मिलने वाले हैं, तो उसकी हकीकत क्या है। 15 अगस्त 2019 को 8:29 पर CNN ने, News18 ने ट्वीट किया था और उसमें क्या लिखा था, ₹100 लाख करोड़ विल बी अलोकेटेड फॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस विल आल्सो प्रमोट जॉब। प्रधानमंत्री नरेंद्र 2019 में आज जो बात कही है 2021 में, इसी बात को वो 2019 में कह चुके हैं कि 100 लाख करोड़ रुपए बांटे जाएंगे और युवाओं के लिए जॉब के इसमें अवसर बढ़े, ये बात वो कह चुके हैं। आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री, और कोई छोटी मोटी बात भी नहीं, 100 लाख करोड़ रुपए की झूठ। या तो आप कह दीजिए कि जो पहले हमने कहा था 2019 में वो हम पूरा कर चुके हैं, या आप ये कहिए कि 2019 में जो हमने कहा था, जो वादा किया था, उस वादे को हम आगे बढ़ा रहे हैं, या ये कह दीजिए कि 100 लाख करोड़ रुपए का 2019 में जो हमने वादा किया था उसमें 100 लाख करोड़ में से इतने लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अब इतने लाख करोड़ रुपए जो है वो अब आगे और खर्च जाएंगे। आप देश को सच तो बताइए, आप वही पुरानी जो है वो बोतल के ऊपर नया लेबल लगा रहे हैं और नया लेबल लगा करके कहते हैं कि नहीं साहब नया माल आया है, नया पैकिंग है। आप पैकिंग नहीं कर रहे हैं,
100 लाख करोड़ रुपए का, देखिए बड़ी गंभीर बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई एक योजना का नाम बदलने वाली बात है, कोई और चीज नहीं है, 100 लाख करोड़ रुपए का आपने झूठ बोल दिया। और ये झूठ नहीं तो क्या है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रेश एक गति शक्ति एक योजना का ऐलान कर रहे हैं 100 लाख करोड़ रुपए का, तो निश्चित तौर पर यह बताया जाना चाहिए कि 2019 में जो किया गया था क्या वो फिर अलग था या फिर ये अलग है, और 2019 के 100 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ। और जब 100 लाख करोड़ रुपए की बात होती है तो हमें याद आ जाता है कि पिछले साल 20 लाख करोड़ रुपए का कोरोना में पैकेज दिया गया था। क्या हुआ उस पैकेज का, क्या देश का कोई व्यक्ति दावा कर सकता है कि इस 20 लाख करोड़ रुपए में से कितने पैसे या किस तरह से कौन सी स्कीम से हमें फायदा मिला है। फिर कहते हैं कि वैक्सीन तो है, फिर पेट्रोल डीजल के प्राइस आप देख लीजिए, पिछले 70 साल की अगर बात करें तो 70 साल में जो है वो डीजल पेट्रोल 70 रुपए तक आया था, और 70 साल से जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो इनके राज में पेट्रोल डीजल 70 से पहुंच करके सीधा 115-10 तक पहुंच गया है, 40 रुपए 70 साल में पेट्रोल बढ़ा 70 रुपए, और मोदी जी के 7 साल में पेट्रोल बढ़ गया 40 से 45 रुपए। अब क्या कहेंगे इसको सोच करके देखिए। अब कुछ एक और बातें करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आज लाल किले से आज कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और आज इसमें एक और उन्होंने टैगलाइन जोड़ दी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उन्होंने नया नारा दे दिया कि सबका प्रयास हम करेंगे, सबका सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, कुछ एक सवाल है आपसे, सवाल है आपके समर्थकों से, सवाल है आपकी जो अलग अलग यूनिट है, आरएसएस है, बीजेपी है और तमाम जो हिंदुवादी संगठन है जो आपको समर्थन करते हैं, उनसे सवाल है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो फिर आपके ही नेता हमारे किसानों को मवाली पाकिस्तानी और खालिस्तानी क्यों कहते हैं? क्या इसी तरह से आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? हमारे किसानों को आपके मंत्री वो मवाली कहते हैं, हमारे अल्पसंख्यकों को उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, हमारे अल्पसंख्यकों को दिल्ली के, जब आप बात कर रहे हैं इससे जो है वो एक हफ्ते पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े होकर के काटने की बात कही जाती है, ये नारे जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर लगते हैं। तो आपका सबका साथ सबका विकास आपका नारा कितना सच्चा है वो आप बता दीजिए। उसके बाद में किस तरह से दलितों के साथ में लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है, दिल्ली के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया तो उसी दिल्ली में 15 अगस्त से 1 अगस्त 15 दिन पहले एक 9 साल की बच्ची को मार दिया गया, जला दिया गया, शमशान घाट का एक पुजारी उसमें शामिल पाया गया, और फिर उसके बाद में उसके बच्ची के माँ बाप को न्याय के लिए भटकना पड़ता है, उसके लिए लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है, एक 6 साल की बच्ची के साथ में, दलित बच्ची के साथ में बलात्कार होता है। तो ये सबका साथ सबका विकास ये कहां पर है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोरोना में हमारे यहां पर देश में दूसरे देशों के मुकाबले कम मौत हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आंकड़े जो सरकार दे रही है वो सच्चे आंकड़े हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि कोरोना पीड़ितों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का सरकार की तरफ से ही ऐलान हुआ था मार्च 2020 में, क्यों उसको बंद कर दिया गया और क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप मुआवजा दीजिए वरना हम बताएंगे कि आपको कितना मुआवजा देना है, क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देनी पड़ी। और आज अच्छा होता कि जब आप कोरोना पीड़ितों के दर्द का वहां पर जिक्र कर रहे हैं तो आप, अच्छा होता कि आप लाल किले की प्राचीर से ये कहते कि हम कोरोना पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं और 4-4 लाख रुपए का उनके लिए ऐलान कर रहे हैं। आप किसानों के लिए, छोटे किसानों की बात प्रधानमंत्री जी ने की कि देश में 80% किसान ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। अच्छा होता जब आप कहते कि दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं उन किसानों को हम घर भेज रहे हैं खुशी खुशी और हमने किसान कानूनों को रद्द कर दिया, अच्छा होता आप अगर ये कहते। दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी ने आज जो है जो ऐलान किए उसमें प्रधानमंत्री जी ने काफी बार जो है वो काफी आजमी साहब की नज़म का जिक्र किया, मैथिली शरणगुप्त की कुछ कविताएं पढ़ी, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया, ये अच्छा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी इतने बड़ी लाल किले की प्राचीर से
किसी को कोट करें तो कम से कम उसका जिक्र जरूर करना चाहिए, उसका नाम जरूर आना चाहिए, हमें ये लगता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए शमशान बनाम कब्रिस्तान ये किसने किया, कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने एक रैली में जाकर के शमशान बनाम कब्रिस्तान का नारा दिया, यह भी बताना चाहिए। सवाल यह है कि आज वाकई देश जो है कठिन समय से गुजर रहा है, इसमें कहीं किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज बड़ा दिन है यह भी कभी जो है किसी को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन जब आप ईमानदारी से चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आप आगे कितना अच्छा करेंगे इस पर सवाल खड़े होते हैं, इस पर शंका होती है कि जब आप ईमानदारी से आज की वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर रहे तो आगे आप कितना अच्छा करेंगे, इसको लेकर के वाकई शक पैदा होता है। आज आपको बताना चाहिए कि देश में वाकई बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप पीठ थपथपा लेते हैं अपनी खुद से ही कि हमारे जो है कोरोना काल में एंटरप्रेन्योर वो आगे बढ़ रहे हैं, आप ये तमाम बातें कह देते हैं, लेकिन वो बातें आप नहीं कहते हैं कि 32 लाख नौकरियां तो अकेले जुलाई जुलाई के महीने में चलेगी, पिछले महीने में करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए हैं, क्या रोड मैप है। आप जब सच सामने रखेंगे तभी लोगों को लगेगा कि हाँ आप धरातल से कुछ चीजों को कर रहे हैं, तभी आपको लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीडीपी इस वक्त में, देश की जीडीपी इस वक्त गर्त में है, देश के लोगों को इंतजार है कि कब सरकार उनको डायरेक्ट पैसा देगी। 5 किलो अनाज की घोषणा देश के प्रधानमंत्री को अगर लाल किले की प्राचीर से करनी पड़ रही है तो सोच करके देखिए ये क्या वाकई हमारे लिए खुशी की बात है या शर्म की बात है। जब हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो 5 किलो अनाज की घोषणा नरेंद्र मोदी जी को लाल किले की प्राचीर से करनी पड़े, देश के प्रधानमंत्री को करनी पड़े, तो क्या ये वाकई सच है। देखिए तमाम घोषणाएं हुई हैं, तमाम अच्छी बातें भी हुई हैं, और देश की 74 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं सबने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भी पिछले 7 साल में देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हम केवल भोपू मीडिया नहीं है कि सरकार जो बात कहे उसी का डमडमा बजाने लगे, हम वो है, आप लोगों की आवाज है, लोगों की आवाज है जो आप सुनना चाहते हैं, कि सरकारी मीडिया गोदी मीडिया तो जो बता रहा है सो बता रहा है, लेकिन उसके अलावा सच क्या है वो बताइए, वो सच हम आपके सामने रख रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण आपको कैसा लगा, उसमें से कितनी बातें आपको अच्छी लगी, और जो बातें हमने कही है क्या आपको वो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, और अगर आपको अच्छी लगी है तो इन बातों को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए, इस वीडियो को दबाकर शेयर करिए। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।